ज्ञानवापी केस में 30 मई को अहम सुनवाई होगी, लेकिन फैसले से पहले केस में हर दिन नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश कर रही है। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि आखिर मुस्लिम वर्ग से जुड़े बड़े बड़े संगठनों ने क्यों राष्ट्रव्यापी मीटिंग कॉल कर ली है, क्यों पीएफआई एक्टिव हो गया है। उससे पहले शिवलिंग पर हिंदू पक्ष के दावे पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, रिपोर्ट से समझिए। हिंदू पक्ष का दावा है कि वजू खाने में शिवलिंग है। वही शिवलिंग जिसे क्षति पहुंचाई गई। अब सवाल है कि हिंदू पक्ष के दावे को लेकर जानकार क्या मानते हैं। हमने एसआई के पूर्व डायरेक्टर अमरेंद्र नाथ से समझा। अमरेंद्र नाथ ने हमें बताया कि हिंदू पक्ष के दावे में दम है। ये इस शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है, खासतौर से ये शिवलिंग का हिस्सा है, ये सिलेंड्रिकल और हेमिस्फेरिकल टॉप है और ये ऊपर में जो डिस्क नुमा या टैबलेट नुमा जो चीज़ है वो चिपकाई हुई है और साफ वो जो मोर्टार है जो जिसके माध्यम से इसको चिपकाया गया वो भी दिखाई पड़ रहा है और ये बाद की चीज़ है और ये छेड़छाड़ होती है जब हम किसी चिन्ह को मिटाना चाहते हैं तो उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं और यही शायद इस शिवलिंग के साथ हुआ होगा। लेकिन चित्र देख करके और जब तक कि वास्तविक रूप से हम उसको देखें नहीं, निरीक्षण स्वयं नहीं करें। एएसआई के पूर्व डायरेक्टर के मुताबिक पत्थर नुमा आकृति को क्षति पहुंचाई गई है। वहीं सर्वे टीम का हिस्सा रहे राम प्रसाद सिंह ने बड़ा खुलासा किया। आखिर क्या है अंदर, मगर फुहारा फुहारा चालू होना चाहिए, फुहारे में कई छेद होना चाहिए। जो 5 पार्ट में आप देख रहे हैं जो कटा हुआ है उसमें छेद नहीं है, वो केवल उंगलियां जाने भर का निशान है। बस ऐसा छेद नहीं है कि आप कुछ डालिए तो अंदर चला जाए। पानी निकला तो कहीं कोई पाइप का पार्ट नहीं दिखा। अगर फुहारा होगा तो कहीं से तो जाने का वो होगा पानी का, बिना पानी पाइप के दिए तो फुहारा निकलेगा नहीं। बस उसी में वो होते होते तो क्या धारियां शिवलिंग को फव्वारे की शक्ल देने के लिए बनाई गई। आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर आरएस सिंह मानते हैं कि छेड़छाड़ मुमकिन है। मुझे जो मेरा पर्सनल व्यू है इसमें मेरे हिसाब से सीमेंट जैसा कुछ दिख रहा है और जहां तक ये हो सकता है ये व्हाइट सीमेंट हो सकता है जो बाद में ऊपर लगाया गया हो और उससे फव्वारे का आकार देने का प्रयास किया गया हो, क्योंकि व्हाइट सीमेंट पत्थर पे जल्दी जुड़ जाता है। ये पानी के अंदर रहता था इसलिए आप देखेंगे चारों तरफ कुछ छींटे टाइप के भी दिख रहे हैं, तो इसमें ऊपर का जो पोर्शन है वो सीमेंट होने की संभावना ज्यादा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग बता रहे हैं उसी आकृति के ऊपर बनी धारियां बाद में बनाई गई हैं। विजुअल इंस्पेक्शन भी एक तरीका जो है वो रहता है, प्राइमरी उसी को मानते हैं, तो जो फोटो अवेलेबल है और जो विजुअली दिख रहा है उसको देख करके 2-3 चीजें जो है वो कही जा सकती हैं। पहले तो इसका आकार देख ले हम लोग, टिपिकली फाउंटेन का आकार जो है इस तरह का नहीं होता है, शिवलिंग का आकार आप हर जगह ऐसा ही पाएंगे। दूसरा जो ये मटेरियल और ये मटेरियल है इसमें जो है विजुअल कंट्रास्ट है, जैसे आप इसका कलर कुछ और है इसका कलर कुछ और है, तो ऊपर का जो पोर्शन ये भी साफ साफ लग रहा है कि ये काफी पैची वर्क है। फाउंटेन का अगर काम होता तो एक स्मूथ काम होता, ऐसे पैची वर्क नहीं करते कि भाई नीचे कुछ कर दिया ऊपर में कुछ ला करके चिपका दिया, तो ये तो डेफिनेटली फाउंटेन जैसा एक बनाने जैसा चीज तो नहीं ही दिख रही है जैसा कि विजुअल इंस्पेक्शन से लग रहा है। दूसरा ये पोर्शन देखिए आप, इसमें आप क्लियर कंट्रास्ट देख सकते हैं और फिर इसके बाद ये ऊपर में व्हाइट सीमेंट भी हो सकती है, पुराना सीमेंट और बालू का भी मिक्सर हो सकता है, कुछ ज्यादा बालू लिया हुआ कुछ एक चीज भी हो सकती है, तो इसको ये पता लगाने में बहुत प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपर्ट कुछ हद तक पत्थरनुमा आकृति के साथ छेड़छाड़ की बात मान रहे हैं, हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये फव्वारा है। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।